गाइस सावन आने वाला है, उसके लिए केडी ने विद वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एक गाना निकाला, डेक डेक पे पे भोला। भोला। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस यूज किए गए हैं, अगर बहुत आप अच्छा कावड़ म्यूजिक लेने है। जा रहे हैं ना तो इसको जरूर इस गाने को चलाना। अपनी प्लेलिस्ट में डाल लो, हाँ अगर आप मजा गाड़ी पे आएगा, लेने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो तो प्लेलिस्ट में जरूर प्लेलिस्ट डाल में लो। डाल लो, डाक कावड़ वाली भी डाल लो। दिस वुड बी दी सॉन्ग जहां पर ना आप एक आप बीट पे चले रहो, अगर तुम हाँ, शायद और तेज एंथू चलने लग जाओ। मिलेगा और ठीक मजे है, आएंगे। तो अब स्टार्ट करते पहले। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। ऑलराइट गाइस, दिस इज द सॉरी टीवी हेलो, एंड वाचिंग डेली कपल तो बात ऐसी है कि ना रिव्यू। सावन सावन इज जस्ट का अबाउट टू स्टार्ट। महीना सावन अभी स्टार्ट ही हो गया है हाँ अभी दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली, आई एम नॉट श्योर पंजाब साइड पे, हरियाणा में आई एम श्योर, बट दिल्ली के अंदर क्योंकि हरिद्वार से उत्तराखंड की तरफ से हम आ रहे होते हैं तो यस, उस तरफ से लोग बहुत जल लेकर आते हैं, गंगा जो जल लेकर आते हैं। और शुरू हो चुका है क्योंकि हाँ काफी जो जगह पे ना शिवरात्रि को हाँ शिवलिंग पे चढ़ाया चढ़ाया जाएगा, जाता तो है बहुत सारे कावड़ वाले होंगे, और टेंट लगने शुरू हो चुके हैं। रिज रोड स्पेशली हमारी भर जाती है, तो बहुत माहौल शुरू हो चुका है बस एक वो। ना 10 दिन तो ये पार्टी रहती है, लास्ट हाँ में डाक कावड़ जाता है तो वो अलग होता है, तो उस उसका टाइम लेवल पे अलग है, हम ऑफिस से कहते हैं कि छुट्टी है, लेकिन अगर आप उस दिन रोड पे निकल रहे हो तो मजे आते हैं। पर अगर आप बिना किसी काम के फ्री हो उस दिन निकलो तो आप बहुत एंजॉय करोगे। तो बेसिकली अभी केडी ने ब्रेन यूज किया, हाँ, ही और सेड डेक पे भूला, तो इधर इट इज योर डेक गाड़ी जो का डेक, हाँ, और एक ट्रक होता का है कि डेक, किसी चीज सिस्टम का भी। डेक उसको भी डेक बोलते हैं, हाँ, तो डेक पे बोला 3 मिनट 57 सेकेंड्स ऑन हिज ऑफिशियल चैनल। दैट इज केडीडी सिरॉक, 57K सब्सक्राइबर्स के यस यस साथ। यस जब यस उन्होंने यस फर्स्ट सॉन्ग स्टार्ट किया था तब मात्र 8-9K सब्सक्राइबर्स थे। और ना पहली बात है कि ये गाना ना एक सोलो सिंगल सॉन्ग नहीं है, ये एक ईपी का है जिसका नाम है मेहरबानी मेहरबानी भोले। भोले, तो ठीक अच्छा है, मतलब कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इस मंथ में और सॉन्ग्स आएंगे उनके इस टू पे। दैट विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वी गोना क्यों जंप ना इनटू द जापर, तो वीडियो। बढ़िया लेकिन हो। जब तक मैं ये प्लेक्स पहन रहा हूँ, आप घानवी म्यूजिक जो हाँ पूरी मिडनाइट ईपी में जिन्होंने रूल किया, नाउ इनटू दिस ईपी। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहती हूँ वन ऑफ आर इंस्टाग्राम फैमिली, वन ऑफ आर यूट्यूब फैमिली, जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने हमारे कई पोस्ट लाइक करे, शेयर किए और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। दैट इज सोनीपत आला शायर शायद जीरो 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 वन वन उनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे है। ही राइट्स ब्यूटिफुल शायरी, मजा आता है आप उनके जाके पेज एक पे बार देखे। चेकआउट करो, लिंक हम हाँ डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, ठीक है, डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको प्लीज दे एक बार जाके देंगे। चेकआउट करना, गुड यस, कंटेंट आउट देयर ऑन इंस्टाग्राम प्लस गाइस। ये रिकमेंडेशन पोस्टर उनका भी रह चुका है। तो लेट्स जस्ट लेट्स स्टार्ट द जंप इनटू द वीडियो। वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। वन टू थ्री प्ले। डेक पे बोला खेड़ी देसी रॉक घन म्यूजिक। पापा बोले बाबा का गाना तो चलाया ही नहीं। डेक पे बोले ले चला दिया बेटा, थैंक यू पापा। ओ बजे सुती कर गाड़ी में फुल रोड़ा चल, गेर लाने ते पहला डेक पे मोड़ा चल। सॉरी बड़ी जल्दी रोक रहे हैं, बट ये गाना प्रॉपर प्योर आपका स्पेशल कावड़ सॉन्ग है ये, और ये हाँ बहुत क्योंकि ये चलेगा। बचने वाला है एंड आपने बहुत। एक और चीज नोट करी है, जो जब से ये आदि योगी हमने देखे कोयम्बटोर में और इनका बैंगलोर में अच्छा भी ये एक चीज स्टैचू नहीं, है। ये पता नहीं होगा, तो अगर आप इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में आई एम जस्ट प्लेइंग दिस पार्ट बैक, ठीक है, करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे जो आप पीछे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, दैट इज आदि योगी। हाँ ठीक है, जी जी रेफर। इट्स अ फॉर्म ऑफ शिवा, तो शिवा की बहुत नाम है, तो उसमें से एक आदि योगी है, और ये कोयम्बटोर ईशा आश्रम में 112 फुट लंबा है, हाँ यार, तो अगर आप वहां विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज गो एंड डू इट एंड गाइज। जो लोग बैंगलोर में रहते हैं वो भी वहां जा सकते हैं, बैंगलोर के आउटस्कर्ट में एक और और अभी ये आश्रम है। दिल्ली में भी आ जाएगा सूनर। थैंक यू पापा। साइड करे मेरा भोला, रोड़ा मिनट में कर दे नक्की, उसकी एक बात से पक्की।
की हो बचे सुती कर गाड़ी मैं फुल रोड़ा चल फिर लाने ते पहला नेक पे मोला चल बचे सुती कर गाड़ी मैं फुल रोड़ा चल फिर लाने ते पहला नेक पे मोला चल खेड़ी देसी रॉक आप बोले गए फैन बक्के बोले गए पुजारी जिन तीनों लोग मन पूछे दुनिया ये सारी मखाना गाले बाबा के लगा ले बैठे यारी दी उससे न आई लव इट व्हेन ही सेड उसने दी उड़ान तभी मैं मतलब आई कैन फ्लाई अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं उड़ पाता और ना जब ये एक टेरिटरी के ऊपर आ जाता ना कि हरियाणा से तो आई एम श्योर ये बहुत अलग होने वाला है गाइस दिस इज केडी ये मेरी प्लेलिस्ट में जरूर आएगा और इस सावन तो जरूर बजेगा और भाई मैं तो डांस भी कर सकता हूं आई एम नॉट श्योर कितने लोग सावन को सेलिब्रेट करते हैं जो भी है बट निखिल अगर आप बात मानोगे ना यार हमारे यहां पर ना हमारे पर्टिकुलरली इधर तो देयर इज दिस सर्टेन टाइम्स कि तुम दो टाइम खाना खाना शुरू कर देते हो ठीक है योगा के थ्रू किसी दिन में तुम दो बार खाना खाते हो सुबह और सनसेट से जस्ट पहले ठीक है और बाकी पूरे दिन तुम सिर्फ वाटर पे रहते जल पे या लिक्विड डाइट पे रहते और सुबह वाला खाना 7 या 8 बजे के आसपास होता है तो उससे ये बेसिकली ना एक साइंस होती है कि तुम दिन में कम खा रहे हो तुम एक्टिव भी रहते हो और इस टाइम पे वेदर ना बहुत स्वेटी होता स्वेटी होता है तो डाइजेशन में इश्यूज डाइजेशन तुम्हारी एनर्जी अच्छी रहती है तो इस पर्पज के लिए सावन को इस तरीके से बनाया जाता है और ये सब साइंस हमारे जो पूरा कल्चर है ना हिंदुइज्म का वो साइंस के ऊपर है एंड प्लस सबसे बड़ी बात हम बोलते हैं ना कि खेतों में क्यों गंगा जल डाला जाता है क्योंकि ये टाइम होता है कि जब आपका सावन है बारिश है तो जरूरी नहीं है कि देयर हैज़ टू बी किसी की ड्यूटी लगे पानी देने के लिए तो बारिश अपने आप में इस तरह से होती है कि खेत सूखे नहीं जाते वो अपने आप पानी नेचुरल तरीके से खेत में पानी भी आ जाता है एंड दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्री तो वो दर्शन कर आते हैं इस ये बहुत बड़ी कथा है आप लोग मेरी बात मानो ना मानो जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है जो स्पेशली शिव जी के हम नाम बोलते हैं उसकी ना वाइब अलग होती है
हमने ये वाला साल शुरू किया था उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से. महाकाल कौन सी महाकाल महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है ठीक है. 12:30 बजे से लाइन लगनी लाइन लगा दी थी. कबीर को भी लेके गए थे अपने साथ. रोमटे तुम्हारे अंदर की रू तक ना तड़तड़ हो जाएगी. दैट इज समथिंग मैंने आज तक जिंदगी में वैसा महसूस नहीं किया. जो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय और जो शिवजी के भक्त थे ना मतलब इतने डेडिकेशन ना मैं मतलब सिर्फ शिवजी के लगे मैंने बहुत देखी है. ओके गाइस वी वांट टू रैप अप हियर. दिस इज अ केडी देसी रॉक टेक पे भोला और अपने रिकमेंडेशंस कमेंट्स में डाल सकते हैं. हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टा विद निक इंस्टा विद बानी. ये हमेशा गलत बोलते हैं. दिस इज आवर ऑफिशियल चैनल. सॉरी टीवी. वी गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन. एडियोस.